हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि रानी स्केच बुक। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आई ड्रॉ कर रहे हैं। जैसा कि आप रेफरेंस फ़ोटो को देख सकते हैं, मैंने रेफरेंस फ़ोटो पर ट्रायंगल और सर्कल की हेल्प ली है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि जब हमारा स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट बनेगा तभी हमारी आई रियलिस्टिक लगेगी। सो इसी के लिए मैंने ट्रायंगल और सर्कल ड्रॉ किया है रेफरेंस फ़ोटो पर। सो फ्रेंड्स, इसी को देख कर हम अपना स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। और जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली ड्रॉ हो रहा है, क्योंकि अगर हम किसी भी गाइडलाइन को यूज़ करते हैं वो गाइडलाइन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं रेफरेंस फ़ोटो पर गाइडलाइन इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि हम जब एकदम परफेक्ट गाइडलाइन यूज़ करते हैं तभी हमारा स्ट्रक्चर अच्छा बनता है। और इसी के लिए हमें एकदम परफेक्ट गाइडलाइन पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो मैंने गाइडलाइन यूज़ की है उसकी हेल्प से कितना अच्छे से ड्रॉ हुआ है। और जो अब हमने जो बनाया है, ये स्ट्रक्चर बनाया है, इस पर जो हमने गाइडलाइन यूज़ की है उसको हम डस्टिंग रेजर से जो एक्स्ट्रा डस्ट है उसे हटा देंगे, और उसके बाद हम लाइट शेड की पेंसिल लेकर डार्क करेंगे। और आपको लाइट लाइट रहने देना ताकि आपको अच्छे से दिखे, और उसके बाद आपको ड्रॉ करना है। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे से और आराम से ड्रॉ करना है। और आपको पूरी आई को अच्छे से पहले लाइट शेड की पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको लेयर बाय लेयर काम करना है। सो फ्रेंड्स, अब मैंने ये चारकोल पेंसिल ली है, क्योंकि हम चारकोल पेंसिल से जो हमारा आईबॉल है उसको हम डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से ही बनाएंगे, क्योंकि जब हम अगर ग्रेफाइट से कर देंगे तो चारकोल पेंसिल काम नहीं करेगा। अगर हमें अच्छे से चारकोल पेंसिल और ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ करना आता है एक साथ, तब हम कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता जब हम बिगनर्स होते हैं, तो आपको पहले चारकोल पेंसिल या ग्रेफाइट पेंसिल, इन दोनों में से ही एक को यूज़ करना है। सो ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल पेंसिल अच्छे से काम नहीं करती है अगर हमें अच्छे से नहीं पता तो। सो फ्रेंड्स, चारकोल पेंसिल से मैंने पूरा जो आई का जो आउटलाइन है मैंने डार्क की है, और चारकोल पेंसिल से ही मैं अब शेड कर रही हूँ आईबॉल में। आपको डेप्थ, जो आई के जो डेप्थ है, जो डेप्थ एरिया है, आपको चारकोल पेंसिल से ही दिखाने हैं। जहाँ जहाँ डार्क है, जहाँ डेप्थ है, आपको सिर्फ चारकोल पेंसिल ही चलानी है अभी, क्योंकि हम जो ये आई ड्रॉ कर रहे हैं चारकोल पेंसिल से ही कर रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक साथ एकदम डार्क नहीं करना, लाइट लाइट हाथों से ही आपको शेड करना है चारकोल पेंसिल से, क्योंकि क्या होता है अगर हम चारकोल पेंसिल से ही चारकोल पेंसिल से भी अगर हम लेयर बाय लेयर काम करते हैं तो पहले हमें हल्के हाथों से ही चारकोल पेंसिल से काम करना होता है। इसलिए आप देख रहे हैं कैसे मैं हल्की हल्की चारकोल पेंसिल से शेड कर रही हूँ, और उसके बाद हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, और चारकोल पेंसिल से एक ही लेयर करने के बाद हमारा जो इफ़ेक्ट है एकदम डार्क हो गया है। और आप ब्लेंडिंग के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हैं, और ईयरबड भी यूज़ कर सकते हैं, और टिश्यू पेपर भी, जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ब्रश का यूज़ करने के बाद मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ किया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत है इसलिए। और अगर आपको लगता है कि आपका जो आप बना रहे हैं आपका कहीं डार्क हो गया, तो आप साथ के साथ आपको उसे हाईलाइट भी करते हुए चलना है। और ये मैंने डस्टिंग रेजर का यूज़ किया था हल्की हाईलाइट करने के लिए।
और हाँ फ्रेंड्स, हमें आई के दोनों कॉर्नर को बहुत ही अच्छे से डेप दिखानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने और भी ज़्यादा लेयर की हैं डेप दिखाने के लिए, अच्छे से ब्लेंड किया है। और ये मैंने चारकोल पेंसिल से ही किया है, क्योंकि हम चारकोल पेंसिल से ही बना रहे हैं, और टिश्यू पेपर से अच्छे से ब्लेंड किया है और भी ज़्यादा स्मूथिंग के लिए। और फ्रेंड्स, हमें साथ के साथ जो आँखों की क्रीज लाइन है उनको डार्क करते हुए चलना है, ब्लेंड करते हुए चलना है। आपकी आई एकदम रियलिस्टिक लगेगी, बहुत ही अच्छे से करना है। और जो मैं नीचे अब आँखों के जो जो लोअर पार्ट है उस पर जो मैं शेड कर रही हूँ, मैंने लाइट शेड की पेंसिल ली है, ये ग्रेफाइट पेंसिल है। यहाँ चारकोल पेंसिल का यूज़ नहीं करना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और लाइट शेड की पेंसिल आप एच बी ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, एच ले सकते हैं, आपको जो आप ड्रॉ कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप लाइट शेड की पेंसिल है, लेकिन ग्रेफाइट। और ये बड़ा सरफेस है तो मैंने इसके लिए टिश्यू पेपर का यूज़ किया है ब्लेंडिंग के लिए, क्योंकि हमारी जो ब्लेंडिंग है एकदम स्मूथ होती है और पैच नहीं आते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो आई बॉल है मैंने इसमें चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है और भी ज़्यादा शेड करने के लिए। और आई के जो किनारे होते हैं उसको, वो शार्प होते हैं, उसमें हमें हल्का ब्लरी दिखाना होता है, तो मैंने हल्का हल्का ब्लरी दिखाया है। और साथ के साथ क्रीज लाइन को मैं डार्क कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, और जो आँखों का ऊपर का पार्ट है मैंने यहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है, जैसे कि आँखों के नीचे के पार्ट के लिए किया है। और बड़ा सरफेस है तो मैं यहाँ टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ। सो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको लगातार कुछ भी ड्रॉ नहीं करना होता, आपको बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए। क्योंकि ब्रेक लेने से क्या होता है, हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें हमें हमारी कमियों का पता चलता है कि हमने क्या मिस किया है, क्या हमने मिस्टेक की है। सो इसलिए आपको लगातार कुछ भी ड्रॉ नहीं करना होता। सो फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ ऐसे ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद मैं शूट करती हूँ वीडियो, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है। और फ्रेंड्स, वैसे भी हमें अपनी आँखों को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि लगातार हम अपनी आँखों से अगर ऐसे ही काम करेंगे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें आँखों को और भी ज़्यादा लेयर करनी है, क्रीज लाइन पर और भी ज़्यादा चारकोल पेंसिल से अगर ज़रूरत है तो। सो फ्रेंड्स, ब्लेंड करते हुए चलना है आपको, ऐसे नहीं छोड़ना कि आपने पेंसिल तो चला दी लेकिन ब्लेंड नहीं किया, आपको फिर वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा, रियलिस्टिक इफ़ेक्ट। इसलिए आपको साथ के साथ ब्लेंड करते हुए चलना है। और जो हाईलाइट वाले जो एरिए हैं आपको वहाँ पर डार्क नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हमें हाईलाइट कहाँ रखना है ज़्यादा, और अगर हम लास्ट में हाईलाइट करेंगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो इसलिए आपको हाईलाइट वाले एरिया को थोड़ा सा छोड़ते हुए चलना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारी आई ड्रॉ हो रही है कितनी रियलिस्टिक लगती जा रही है। अब हम करेंगे आईलैशेस ड्रॉ। आईलैशेस आपको लास्ट में ड्रॉ करने होते हैं, क्योंकि जब हम पूरी आई पर शेडिंग ब्लेंडिंग कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं आई को, तभी हमें आईलैशेस ड्रॉ करने चाहिए। और जो हमारे आईलैशेस होते हैं वो कभी भी सिंगल नहीं होते, आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है। और जो आईलैशेस होते हैं हमारे, एक साथ दो या तीन होते हैं, तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करने हैं। और जो हमारे आईलैशेस में जो ड्रॉ कर रही हूँ, और फ्रेंड्स वो एकदम सीधे नहीं होते, वो इधर थोड़े से कर्व, इधर थोड़े, मतलब आप रेफरेंस फ़ोटो को देख सकते हैं मैं जिस तरीके से वो है, मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रही हूँ। और मैंने क्या देखा है, बहुत से जब हम बिगनर होते हैं तो क्या करते हैं, आईलैशेस जो होते हैं एकदम सीधे सीधे ड्रॉ कर देते हैं,
और फिर वो बहुत ही ऑड लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, तो आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे आपने अपर जो आईलैसेस हैं वो ड्रॉ किए हैं, ऐसे ही आपको लोअर आईलैसेस ड्रॉ करने हैं। और जो नीचे जो मैं आईलैसेस ड्रॉ कर रही हूँ फ्रेंड्स, लोअर आईलैसेस, वो भी सिंगल नहीं होते, उन्हें भी ऐसे ही ड्रॉ करना होता है। और लास्ट में हाइलाइटिंग के लिए मैंने डस्टिंग रेजर का यूज़ किया है और हमारी आई एकदम रियलिस्टिक लगने लगी है बिल्कुल। और यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक रेजर का यूज़ किया है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ जेल पेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट है तो मैं यहाँ पर जेल पेन भी यूज़ करूँगी। और लास्ट में अगर हमें लगता है कि छोटा मोटा हमें और भी ज़्यादा फिनिशिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग मैंने और भी ज़्यादा हाईलाइट किया है, और जहाँ जहाँ अगर हमारा ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है तो हम चारकोल पेंसिल से उसे डार्क कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वाइट जेल पेन यूज़ कर रही हूँ और भी ज़्यादा हाइलाइटिंग के लिए। अगर आपके पास वाइट जेल पेन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसकी जगह जो पोस्टर कलर होते हैं वाइट कलर का, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डस्टिंग इरेजर या आप नॉर्मल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर आईब्रो ड्रॉ कर रहे हैं, और आईब्रो ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर चारकोल पेंसिल का ही यूज़ किया है। सबसे पहले हमें लाइट शेड ही करना है चारकोल पेंसिल से, और उसे अच्छे से ब्लेंड करना है। मैंने ऐसे ही यहाँ पर दो तीन लेयर करूँगी मैं, और अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको आईब्रो के जो हेयर हैं उनके लिए स्ट्रोक लगाने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना एक साथ आपको, नहीं तो आपकी जो आईब्रो है ऑड लगेंगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह आई ट्यूटोरियल वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।